नफरतें हैं जहां मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि इस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, ये जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पर हंसी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल आओ ने फिर जोड़ दें, वरना अहले कलम भी अब अपना कलम तोड़ दें, वरना अहले कलम भी अब अपना कलम तोड़ दें। आपकी पुरजोश तालियों में म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाहरबाद खालिद रियाज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक संभालें और गुफ्तगू का आगाज करें। आप सब जो अपना कराची के जो भी अहदेदारान हैं और यहाँ पर हमारे जो अहल मोहल्ला हैं शादमान के, नॉर्थ नाहरबाद के डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और पहली बात ये कि मैं आप ही का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मेरी बाई बर्थ नॉर्थ नाहरबाद ब्लॉक एक रहायशी हूँ, तो वो गैर नहीं अपने ही हैं समझ लें, और इसी इलाके में पले बढ़े हैं, और जो मसाइल आप क्यों ले रहे हैं, इन्हीं सड़कों में हमें पैदा हुए, इसी सड़कों में घूमें, इन्हीं पार्कों में, इन्हीं इलाकों में बचपन गुजरा है, तो 54-55 सालों में रहूँगी इसी एक ब्लॉक नॉर्थ नाहरबाद में गुजरी है, तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमसे ढकी चुकी हो, एक ही शहर के लोग, एक ही ज़बान बोलने वाले हैं, एक ही मज़हब से ताल्लुक़ है, कोई गैरियत वाली इसमें बात ही नहीं है। तो जो तकालीफ आपकी समझो मेरी है, तो इंशाल्लाह जो मेरे वसाइल हैं मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, उस पर ज़रूर 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 अमल होगा। देखिए हमारा एक बजट होता है, एक लिमिटेशन होती है, और ये खुली ऑफ़र करता हूँ कि मैं जो मेरी कोशिश होती है 2 घंटे विजिट पे हूँ, ये मेरे साथ बैठे इनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा हफ्ते का दिन मेरा 9 बजे से या 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इसीलिए होता है, तो आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अभी 14 नाले की बात हुई थी, वो मैं आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, मैं आपको नंबर लिखवा रहा हूँ अपने इंजीनियर को जो उसको देख रहे हैं, इसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए मैंने, लेकिन हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट को जाती है, अप्रूवल होती है, उसका फिर बजट होता है, उसके ऑडिट होता है, उसके अंदर उसकी प्लानिंग होती है, वो पाइपलाइन में है, और 110% एश्योरेंस अगर मैं यहाँ पर हुआ 2-3 महीने तो वो हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज्जल्द कराएंगे। मुख्तसर ये है कि जब मुझे यहाँ तकरीबन 1.5 महीने हुए आएंगे, आते के साथ बारिशें थी, आपने देखा था, वो बारिश के बाद रबी लवल का मुकदस महीना स्टार्ट हुआ, उसके अंदर भी हमारे मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, सफाई है, रोड का काम होता है, जहाँ जहाँ जुलूस निकलते हैं और जहाँ जहाँ नदी पास होती है, लाइटों का इंतजाम होता है, सफाई होती है, उसके अंदर मसरूफ़ रहे। अब आने वाले चंद माह हैं, जो समझता हूँ जुलाई तक हमारे पास टाइम है, कोई ऐसा मजहबी या कोई नेशनल लेवल का इवेंट नहीं है, ना कोई बारिश का डर है, तो टाइम है हमारे पास, हम मिलजुल करके, देखिए अकेले हम नहीं कर सकते, हमें क्या है कि हम इंतजामिया कर लेंगे, नहीं जब तक आवाम का तआवुन नहीं होगा हम ज़ीरो, मेरे मुताबिक तो 0 है, अगर आवाम का तआवुन होगा हमारी परफॉर्मेंस 10 वाली 90 पे चली जाएगी, आपका तआवुन होगा, मेरा नंबर ऑन रहता है व्हाट्सएप के अलावा, मैं कोशिश करता हूँ जो सिंपल नंबर तो सादा उस पर मैं कॉल करता हूँ, रिसीव हो जाती है, बैटरी उस वक्त ऑन दे भी ज़्यादा काम करती है, ये तो बहुत तंग करते हैं, तो उसके ऊपर आप नंबर मेरा लेके कॉल कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, 2 घंटे मैं अवेलेबल होता आवाम के लिए, किसी प्रोटोकॉल के बगैर कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला आऊँगा, चीज़ देखूँगा और नोट कर लूँगा, जहाँ हो सके जरूर कराएंगे, तो अपने मसाइल इसके अलावा भी हैं तो बताएं। 14 की एश्योरेंस दे रहा हूँ, इंजीनियर साहब का नंबर लिखवा देता हूँ, आप में तो जो चाहे कमेटी बना के उसे, ज़्यादा लोग जाएंगे परेशानी होगी ना, 2-3 लोग बना लें आप, उनका नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ, नाम लिखवा देता हूँ, उनका नाम है फैसल अजीज़, क्या कहना है उनका पूरा नाम, फैसल सगीर साहब का नंबर लिखवाते हैं, एक कमेटी बना के इसी शादमान वाले लोग चले जाएँ, ताकि वाकई जो बुरा लगता है, मेरे खुद बहन अगर शादमान मेंढा मोड़ के पास, तो सब यहीं के लोग हैं ना, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, तो बहरहाल जो भी चीज़ें आप बता दें, एप्लीकेशन दे दें, एप्लीकेशन का मुख्तसर कोई एक साहब बता दें या 2 साहब बता दें, हम नोट कर लेंगे, जो बेहतर की लाजमी है। मैं सिर्फ 2 मिनट आप लोगों के चाहूँगा कि आपने इससे कबल जो एप्लीकेशंस लिखी हुई थी उसके ऊपर अपने राबता नंबर मुकम्मल तौर पर लिखकर यहाँ पर हमारे पास जमा करा दें, ताकि उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं हम वहाँ पर उसको फॉरवर्ड करा सकें, और इसके बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला है तो बारी बारी आप कोई भी एक जो है वो नुमाइंदा खड़ा होगा और वो बात कर सकता है, सवाल कर सकता है। बहुत शुक्रिया।